हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेकअप एंड लाइफस्टाइल विद दीपिका। आज है महाअष्टमी की रात और ये है मेरी मम्मी एंड दूसरी तरफ साइड में है पार्थ मेरे हस्बैंड। तो आज हम निकले हैं पैनल हॉपिंग के लिए एंड काहिली पाड़ा की तरफ हम पहले आए हैं। तो यहाँ से हम एक एक करके पूजा देखेंगे, अलग अलग पूजा मंडप जाएंगे। एंड ये देखिए बलून्स, तो पूजा के टाइम पे इस तरह के बलून्स देखने को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे तो बचपन से ही बलून्स का एक क्रेज़ है, मैं बलून्स एंड ऑल भी ख़रीदती हूँ। तो आज भी मैंने सोचा है कि जाते वक्त एक बार मैं एक बलून तो ज़रूर ख़रीदूँगी। तो सबसे पहले आए हैं काहिली पाड़ा की पूजा देखने एंड यहाँ पे एवरी ईयर अलग अलग थीम का डेकोरेशन होता है। इस बार भी ये बहुत ही अच्छा थीम से इन्होंने बनाया है। बहुत ज़्यादा भीड़ है इसलिए धीरे धीरे आगे हम बढ़ते गए एंड बहुत ही लंबा क्यू है एंड हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए एंड देखिए भीड़ तो देखिए एंड यहाँ पे नाम कीर्तन भी हो रहा है। लोगों को ठेलते ठेलते हम आगे बढ़े एंड दुर्गा माँ के सामने हम पहुँच गए। यहाँ फूल और प्रसाद भी दे रहे थे तो मैंने भी थोड़ा प्रसाद ले लिया। एक ही जगह में अगर हम ज़्यादा टाइम रुके तो बाकी सारा पूजा हम नहीं देख पाएंगे, इसलिए वहाँ से हम लोग निकल गए। वरना अच्छा लग रहा था, नाम कीर्तन चल रहा था। फिर हम गए उदाल बाकड़ा की तरफ एंड यहाँ पे भी भीड़ तो हर जगह में ही है। जिस रूट से हम जा रहे थे वहाँ पे और भी बहुत सारे मंदिर मतलब पैंडल थे, तो हमने देखा। अभी नाम जगह का नाम मुझे याद नहीं। पैंडल हॉपिंग के दौरान बहुत चलना पड़ता है क्योंकि कार आप हर जगह में पार्क नहीं कर सकते, थोड़ा दूर जाके जहाँ पे जगह मिलता है वहाँ पे ही पार्क करना पड़ता है, तो हमें बहुत चलना पड़ता है इस दौरान। तो मेरे पैर दुख रहे थे। हर जगह में दुर्गा माँ की मूर्त बहुत ही प्यारी है। कई सारी जगहों में मैंने वीडियो भी नहीं बनाया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दुर्गा माँ के मूर्त, अलग अलग डेकोरेशन, सब कुछ। एकदम आखिर में हम गए लताशील फील्ड का पूजा देखने। एवरी ईयर यहाँ पे
यूनिक डेकोरेशन होता है, थीम होता है, लेकिन इस बार मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुई क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सिंपल तरीके से ही यहाँ पे पंडाल सजाया गया है। तो एंड कंपैरेटिवली भीड़ भी यहाँ कम है। जब भी हम आते हैं यहाँ, लाइक दो तीन साल पहले भी जब हम आए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, एकदम चल भी नहीं पाते हो, लेकिन इस बार थोड़ा खाली लगा मुझे। पैंडल हॉपिंग करते करते 11:30 बज गए। यहाँ से फिर हम गए डिनर के लिए। एंड दुर्गा पूजा के टाइम पे खाने का कोई टाइम टेबल नहीं रहता, देर से ही खाना होता है। तो रेस्टोरेंट में हमने डिनर किया एंड वहाँ बैठ के बहुत सारे बातें भी की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये मेरे पापा हैं, पहले कैमरा में मैंने इनको दिखाया ही नहीं। घर आते आते 12:30 बज गए एंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जल्दी अपलोड करूँगी। टिल देन बाय बाय। एंड मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं।